ओम ज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे जो वक्तव्य का विषय है, इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है, इसलिए कुछ कुछ लोगों का कहना है भागवत ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसको कहते हैं सर्व वेदांत इतिहास नाम सार सार समुद्रतम, समस्त वेद पुराण इतिहास का जो सार है ये श्रीमद् भागवत है। कि तत्र सामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकुचित। अगर कोई भागवत रस को पान कर ले तो फिर और किसी चीज पान करने की इसका कोई इच्छा नहीं रह जाती है। अगर ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं और वृंदावन में आओ सर्वत्र सबके सब श्री राधा रानी के नाम ग्रहण करते हैं, इसलिए लोगों का कहना है फिर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा रानी का नाम श्री सुखदेव गोस्वामी क्यों नहीं दिए। इसलिए इस विषय के ऊपर में हमारे गौड़ी जो टीकाकारों ने बहुत बहुत कुछ उन लोगों ने प्रमाण दे करके और सुंदर सुंदर सिद्धांत को दे करके स्थापन किया है। पहला कारण कहते हैं जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये कौन है, बोले प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास। कहते राधा रानी क्या ये प्रिय सुख है जो राधा रानी के निकुंज मंदिर में रहने वाले राधा रानी जिनको हाथ में बैठा करके सुंदर सुंदर अनार की दाना खिलाया करती थी, कभी कभी इनको कृष्ण स्वरूप मान करके उनको चुंबन भी करते थे, इसलिए इनकी थोंड में श्री राधा रानी की अधरामृत भी लगा हुआ है। जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बताने जा रहे थे तब श्रीमती राधा रानी से प्रश्न करती, बोले हे राधे आपका नाम को ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मैं किस रूप में दूं। तो राधा रानी का आदेश है मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं देना, देना तो मेरे नाम को छुपा करके देना। इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम तो सर्वत्र दिया ही है, इसलिए ग्रंथ का नाम ही ये श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् मतलब क्या होता है, श्रीमद् श्रीमती राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम। कहते ये भागवत ग्रंथ नहीं, ये राधा रानी की ही ये प्रेम है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे साधारण लोगों का कहना है ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये कृष्ण परक ग्रंथ, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे ये कृष्ण परक ग्रंथ नहीं, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है श्रीमती राधा रानी परक, जिसमें विशेष करके श्री राधा रानी की महिमा को जहाँ पर स्थापन किया। इसलिए हमारे गुरुदेव ये कहते थे भागवत का ग्रंथ जो स्वरूप है वो साक्षात भगवत स्वरूप है, जो दशम स्कंध है ये भगवान की मुखार बिंद है, शरीर का जो मेन अंग ये मुखार बिंद है, लेकिन ये मुखार बिंद में एक व्यक्ति सुखी ना दुखी कैसे पता चलता है, बोले अगर वो हंस रहे हैं देखने से पता चलता भैया ये व्यक्ति खुशी है, अगर दुखी हो तो दुखी है। कहते हंसी क्या है, बोले ये श्रीमद् रास भागवत में दशम स्कंध में जो रास पंचाध्याय है, कहते यही ये पंच प्राण है जो हंसी है, ये रास लीला ही ये हंसी, मतलब ये भागवत का जो प्राण है ये रास लीला ही इसका प्राण है, जिस रास लीला में कृष्ण स्वयं ये चीज को स्थापन करते हैं। न पार अहम निरबद्ध संजुजाम सो साधु कृत विउधाई साबिहो। बोले हे राधे हे गोपियां ब्रह्मा जी से परमायु लेकर के भी मैं तुम्हारी ऋणी से कभी ऋणी नहीं हो सकता हूँ। जहाँ पर उद्धव जी बंदे नंद ब्रज स्त्रीनांग पाद रेणु अभिक्षण स, जहाँ पर उन्होंने राधा रानी की चरण की एक धूल को जहाँ पर उन्होंने कामना करते हैं, अब विशेष करके श्रीमद् भागवत में राधा रानी की महिमा को सर्वश्रेष्ठ रूप में जहाँ पर स्थापना करते हैं। अभी प्रश्न है राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं दिया,
पहला कारण है कि राधा रानी का आदेश था सुखदेव गोस्वामी का प्रति मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं देना, ये पहला कारण। बोले दूसरा कारण कहते भागवत ग्रंथ का जो सर्वप्रथम जो टीकाकार हुए ये श्रीधर स्वामी हुए। वो स्वयं कहते हैं बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण सड़मार्सी के मूर्छा भवे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी श्री राधा रानी का नाम एक बार ग्रहण करते थे वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा मेरे पास में कुल 7 दिन है, 7 दिन को अंदर में भागवत कथा बोलना, अगर 6 महीना बेहोश हो गया फिर राधा रानी का नाम हम कैसे ग्रहण कैसे करें। कहती है दूसरा कारण है। कहती तीसरा कारण है जैसे बोले कोई एक राजा आया, लेकिन जब राजा आता है वो क्या अकेला कभी आता है? कभी अकेला नहीं, उनके साथ में मंत्री, उनकी देह रखी, सैन्य सामंत सबके सब उनके साथ में आते हैं। उसी तरह कृष्ण जब आए, कृष्ण क्या कभी अकेले आते हैं? कृष्ण कभी अकेले नहीं आए, वो संपूर्ण अपना धाम और परिकर सबको ले करके यहाँ पर आए। इसलिए श्री गर्ग संहिता में बताए जब कृष्ण राधा रानी से पूछे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तुम चलोगी? राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, धुवर नहीं, कुंज वन नहीं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। स्वयं कृष्ण बोले राधे संपूर्ण ये गोलोक वृंदावन को मैं उतार दूंगा, इसलिए मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अकेले नहीं, मेरे पिता माता मेरे सखा सबके सब चलेंगे। तब राधा रानी कहते फिर तो मैं चलूँ। इसलिए कृष्ण जब आए पूरा धाम को लेकर के इस जगत में आए हैं। कहती है तीसरा कारण है क्यों राधा जी का नाम नहीं। चतुर्थ कारण बताए बोले परख्य बाद ऋषय परख्यम च प्रियम। कहते जो ऋषि लोगों को जो परख्य जो बात, परख्य मतलब होता है किसी चीज को छुपा करके बोलना, इनडायरेक्ट बोलना, कहते ये मुनि लोगों का ये प्रिय है। इसलिए उन्होंने श्रीमद राधा रानी का नाम को श्रीमद भागवत में कहीं तत् रूप में, कहीं सखी रूप में, कहीं बधु रूप में, कहीं उन्होंने बध्वापदय नाम रूप में, अलग अलग रूप में उन्होंने श्री राधा रानी का नाम को उन्होंने दिया। जैसे कोई है कि स्त्री अगर घूंघट लगा करके चलती है सबके सब उसको देखने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन जितने सुंदर से सुंदरी क्यों नहीं हो अगर घूंघट निकाल करके चलती है पर उसको तरफ में कोई नहीं देखते हैं। इसका पंचमा कारण बताए बोले लीला सुकस्य लीलयम् लल्लना चोपवर्णिता कल्लो लीलम स्वरूपेण रासकूपम जल पवम। यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे एक बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, लेकिन अगर कुएं में कोई पानी हो पानी को सभी नहीं पी सकते। बोले कौन पी सकता है? बोले जिसको पास में रस्सी कोई पात्र हो वही व्यक्ति ही कुएं का पानी पी सकते हैं। कहते नदी का पानी किसको साथ में उदाहरण दिया? बोले जो कृष्ण लीला है जिसका नदी का पानी एक पशु पक्षी इंसान जानवर सब पी सकते हैं, उसी तरह जो कृष्ण भक्ति वो सभी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो राधा रानी का जो भक्ति सभी के लिए संभव नहीं। इसलिए श्री हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटबिम असंभाष तद भावगम विरचिता कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर वो कृष्ण भक्ति को कोई प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण जैसे 3 जगह से टेढ़े हैं उनका भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीर है। वो कृष्ण को पाना इतना आसानी बात नहीं, लेकिन वो कृष्ण को कौन पा सकते हैं? वो कहते पहले 3 चीज को अपना जीवन में अपनाओ ग्रहण करो। बोले वो 3 चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु। बोले जब तक कि श्री राधा रानी की चरण धूल को कोई आश्रय ग्रहण करे। बोले दूसरा चीज क्या है? बोले राधा रानी की चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जो कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता है। और जो तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है राधा रानी भक्ति रस में
जो सराबर हुए जो साधु है, जब तक ऐसे साधु का चरणों का आश्रय कोई ग्रहण न करे, बोले कुतः श्याम सिंधु रस साब गहाओ, कहाँ कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र में कहाँ जीव गोता लगा सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कुआ का पानी श्री राधा रानी की भक्ति, उसको कौन पी सकता है, कहते जिसको पास में रसी पात्र। ये रसी पात्र मतलब क्या होता है, बोले रसी पात्र मतलब होता है जब तक कोई ऐसे राधा रानी, जिस संप्रदाय में श्री राधा रानी को मुख्य रूप में ही भजन करते हैं, ऐसे जब तक श्री, इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम श्री गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय मतलब होता है राधा रानी गौरी है, जो जिन्होंने राधा रानी को ही अपना जीवन का सर्वस्व जो बनाया है, कहते हैं गौड़ीय है। इसलिए जब तक ऐसे साधु वैष्णव का चरण आश्रय कोई ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक उसको राधा रानी की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भागवत में राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में नहीं बताए, बोले उसका छठवां कारण बताते हैं, बोले गोपनाथ दिष्ट संपत्ति सर्वथा परिसिद्धति कुलाल पुट के पात्र संत बाष्प तया जथा। ये उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे किसी मिट्टी के पात्र को अगर उसको रंग चढ़ाना है, लाल रंग बनाना, उसके लिए क्या करते हैं कुम्हार, उसको किसी भाटी को अंदर में दे करके, उसके अंदर में कोयला लकड़ी देकर चारों तरफ से मिट्टी से पोत देते हैं, फिर जब उसमें आग लगाते हैं, फिर धीरे धीरे जलते 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 फिर क्या होता है, फिर एकदम लाल रंग बन जाता है। कहते उसी तरह जो राधा रानी का जो नाम है, इसलिए भागवत में स्पष्ट रूप में नहीं दिया, कारण है कहते कृष्ण भी राधा मतलब क्या, इसलिए जिसको हमारे गोपाल तापन उपनिषद में कहते हैं कृष्णेना आराध्यत इति राधा, विश्व ब्रह्मांड जो कृष्ण को उपासना करते हैं, लेकिन कृष्ण किसकी उपासना करते हैं, ये सेवा कुंज का मतलब क्या है, बोले बैठ पैलोट राधिका पायन, जहाँ पर स्वयं परम ब्रह्म परात्पर तत्व स्वयं श्री राधा रानी के चरण की यहाँ पर उन्होंने सेवा की थी। इसलिए जो राधा रानी को अपना हृदय के अंदर में रखनी चाहिए, इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ में स्पष्ट रूप में श्री राधा रानी का नाम को नहीं दी गई। इसलिए हरे कृष्ण, बोले गोपना अदिष्ट संपत्ति सर्वथा परिसिद्धति कुलाल पुटक पात्र संता बाष्पतय जथा। जैसे गोपनाथ दिष्ट संपत्ति सर्वदा परिसिद्ध है, नियम है हम लोग मंत्र को कैसे जप करते हैं, बोले गोपनीय रूप में, यहाँ तक ही कहते हैं अपना जीवा तक भी नहीं हिलानी चाहिए। इसलिए भागवत में गोपनाथ दिष्ट संपत्ति, जैसे किसी हमारे पास में हीरे जवाहरात तो हो, हम सारा दुनिया को नहीं दिखाते हैं, उसको तो अपने तेजोरी में छुपा करके ये चीज को रखते हैं। इसलिए राधा रानी हमारी कौन है, कहते परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, ये जीवन का श्रेष्ठ संपत्ति राधा रानी का नाम। इसलिए राधा जी का नाम को इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप में भागवत में नहीं बताए, क्योंकि मंत्र को अगर हृदय में अगर जप करे तो तभी जाकर के मंत्र फलप्रद होता है। इसलिए भागवत में स्पष्ट रूप में ऊपर ऊपर में श्री राधा जी का नाम को नहीं बताया। इसका सप्तम कारण बताते हैं, बोले जथा प्रियाग पात्रेशु गुढ़ मारुन्न मिश्यते श्रीमद भागवत शास्त्री राधिका तत्व मिद्रिशम। मतलब है जैसे मेहंदी पता, मेहंदी पता ऊपर से देखो हरा हरा दिखती है, लेकिन वास्तव रूप में क्या मेहंदी पता हरा है, वो लाल है, लेकिन वो उसके अंदर में छुपा हुआ, फिर वो लाल प्रकट कैसे होता है, उसको पिसो, पिसने पर तब भी वो हरा हरा दिखेगा, लेकिन जब मेहंदी को हाथ में माताएं लगाती हैं, जब फिर सूख जाती हैं, देखो पूरा हाथ लाल ही लाल हो जाता है, महीना तक धोने पर भी वो नहीं छूटता है। कहते उसी तरह श्रीमद् भागवत में अगर दशम स्कंध में देखेंगे तो ऊपर ऊपर में कृष्ण 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 ही कृष्ण ही कथा है, लेकिन अगर अंदर में झांक करके देखेंगे तो अंदर में केवल श्री राधा 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 जी का नाम है, क्योंकि आत्मा तो राधिका एव,
बोले कृष्ण का आत्मा कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? लाल को प्रकट करने, बोले इसको पीसो। बोले पीसना मतलब क्या है? बोले साधन करो, जब हम साधन करेंगे फिर देखेंगे सर्वत्र श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी के नाम के सिवाय अंदर में और कोई चीज हमें मिलेगा नहीं। इसलिए भागवत में बताया गोपनियम 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 प्रजत्नत प्रजत्नत प्रजत्नत। इसलिए राधा रानी का नाम को बताए, इसको गोपन रखनी चाहिए, गोपन रखनी चाहिए, इसको गोपन रखनी चाहिए, प्रजत्न पूर्वक उसको रखनी चाहिए। फिर भागवत में फिर अगर गोपन रखनी चाहिए फिर इसको फिर छुपा छुपा करके भागवत में फिर राधा जी का नाम फिर क्यों दिया? बोले इसका विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं न च शास्त्रम न च युक्ति न च लोभोत्पत्ति कारणम। कहते लोभ ऐसे के चीज होता है जिसका प्रति हमारे लोभ होता है ना, वहां पर शास्त्र युक्ति ये किसी चीज को उपेक्षा नहीं करता है। लोभ ऐसे के चीज है, इसलिए लोभ होने का वजह से और श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की ये प्रिय सुख और श्री गुरुदेव राधा रानी उनके होने का वजह से उन्होंने क्या किया, अपना आराध्या देवी का नाम को उन्होंने छुपा करके ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ में सर्वत्र सर्वत्र उन्होंने उपदेश किया है। इसलिए ऐसे जो श्रीमती राधा रानी हमारी संप्रदाय का मूल जो आराध्य श्रीमती राधा रानी प्लस श्रीमती राधा रानी ही।